माताश्री, ये क्या कर रही हैं आप? अपनी पुत्री को बंदी बना रही हैं? तुमने कार्य ही ऐसा किया है गंगा, अपनी छोटी बहन को उचित मार्ग दिखाने के स्थान पर उसी को भटकाने में लगी हो। नहीं माँ, मैं तो बस मुझे और कुछ नहीं सुनना जब तक कल विंध्य के राजकुमार और पार्वती एक दूसरे को देखकर माला और मुद्रिका नहीं पहना देते, तब तक तुम यहीं अपने कक्ष में रहोगी। माताश्री, ऐसा मत कीजिए। पार्वती को शिव से दूर मत कीजिए, अन्यथा अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता महारानी, महारानी, क्या हुआ? राजकुमारी पार्वती अचानक कहीं चली गई है। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? जाने से पूर्व उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे शिव को जीवन भर ग्लानी का बोध रहेगा। रेखा माँ, आप मुझे बंदी बना सकती हैं, आप पार्वती को बंदी बना सकती हैं, परंतु प्रेम, प्रेम तो सुगंध के समान है। आप ना तो उसे रोक सकती हैं और ना ही उसे बंदी बना सकती हैं। जब विंध्य के राजकुमार मुझे धूमधाम से ब्याह कर ले जाएंगे तो इसी मार्ग से लेके जाएंगे। कैलाश भी यही है, यही आप भी हैं, और मैं भी यही आई थी अपने मन में आपके प्रति प्रेम लिए। स्वीकारना या ठुकराना आपका निर्णय होता, परंतु आपने तो मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि मेरी और आपकी दृष्टि पड़े।